मुंबई द फाइनेंशियल कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। सपनों की नगरी कहे जाने वाली इस शहर की पॉपुलेशन आज लगभग 2.5 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। बाकी अगर मुंबई के ट्रैफिक की बात करें तो आए दिन हर जगह पर ट्रैफिक कंजेशन दिखाई देता है। ज्यादातर बड़े शहरों में ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए आउटर रिंग रोड का निर्माण किया जाता है और छोटे शहर में बाईपास रोड की, ताकि शहर के आउटर से ही गाड़ियाँ डाइवर्ट हो जाए। लेकिन मुंबई की जियोग्राफिकल पोजिशन देखे तो मुंबई चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो ऐसा एक आउटर रिंग रोड को बनाना पॉसिबल नहीं। लेकिन एक सोल्यूशन है जो है मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट। जी हाँ, इस प्रोजेक्ट के चलते मुंबई की वेस्ट कोस्ट बराबर एक एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है जो काफी हद तक एक रिंग रोड की तरह काम करने वाला है, और ये प्रोजेक्ट काफी हद तक मुंबई के ट्रैफिक प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है। तो आज की वीडियो में समझेंगे कैसे ये कोस्टल रोड प्रोजेक्ट एक रिंग रोड की तरह काम करेगा और देखेंगे आज की तारीख पे एग्जैक्ट प्रोग्रेस क्या है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारी वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिलता है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी इस छोटे से स्टेप से हमें काफी हेल्प होती है। मुंबई की दो मेजर ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो थाने से शुरू होकर बाइकला में जाकर एंड होता है, और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो दहीसार के पास शुरू होकर एंड होता है बांद्रा में। बाकी किसी को प्रॉपर साउथ मुंबई आना हो तो कनेक्टिंग छोटे छोटे रोड के थ्रू ही जाना पड़ता है। लेकिन कोस्टल रोड के चलते आप सीधा आ पाएंगे मुंबई के मरीन ड्राइव तक। तो समझते हैं कैसे ये प्रोजेक्ट एक रिंग रोड की तरह काम करने वाला है। मुंबई कोस्टल रोड साउथ मुंबई के मरीन ड्राइव से शुरू होकर नॉर्थ मुंबई के कांदिवली तक जाएगा, और मुंबई ट्रांसवर लिंक जो साउथ मुंबई की शिवड़ी से शुरू होकर नवी मुंबई के चिल्ले में कनेक्ट होगा। फ्यूचर में ट्रांसवर लिंक कनेक्ट होने वाला है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के साथ, और अपकमिंग विरार अलीबाग मल्टीमोडल कॉरिडोर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का विरार जेएनपीटी पार्ट। कुल मिला के ये देखने में एक रिंग रोड जैसा ही लगेगा। अब कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो एक्चुअली मुंबई के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हुए सर विल्बर स्मिथ ने 1962 में ही इस प्रोजेक्ट को प्लान किया था, जिसमें हाजी अली दरगाह से नरीमन पॉइंट तक एक 3.6 किलोमीटर लंबी कोस्टल रोड को प्रपोज किया गया था। लेकिन काफी सारी डिफिकल्टीज के चलते तब इस प्रोजेक्ट को कैंसिल किया गया। फिर लगभग 50 साल बाद वापस इस प्रोजेक्ट को प्रपोज किया गया, लेकिन क्योंकि इस प्रोजेक्ट के चलते काफी ज्यादा लैंड रिक्लेमेशन करने की आवश्यकता थी, तो उसके कारण भी इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल नहीं मिला। फाइनली 2015 में इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिला, जिसमें मरीन ड्राइव से कांदिवली तक एक 29.2 किलोमीटर 8 लेन एक्सप्रेसवे को दो फेजेस में बनाने का प्लान था, जिसमें फेज वन है 9.98 किलोमीटर और फेज टू है 19.22 किलोमीटर। और इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 111 हेक्टेयर लैंड रिक्लेमेशन का प्लान था, जिसमें एक्सप्रेसवे के साथ साथ प्रोमिनाड, बस रैपिड ट्रांजिट, साइकिल ट्रैक और ग्रीन पेसेस भी बनाने का प्लान था, जिसमें अंडरग्राउंड कार पार्किंग्स का भी फैसिलिटी रहता। यह कोस्टल प्रोजेक्ट बीएमसी यानी बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आता है, और इस इंजीनियरिंग मार्बल को बना रही है एलएनटी कंस्ट्रक्शन, एचसीसी और ह्युंडई डेवलपमेंट कंपनी जैसी बेहतरीन कंपनियां। और इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन ऑफिशियली शुरू हुआ था अक्टूबर 2018 में, जिसका प्रोजेक्ट कॉस्ट था अप्रोक्स 12,000 करोड़ रुपीस। अब प्रोजेक्ट अलाइनमेंट को समझे तो फेज वन शुरू होता है मरीन ड्राइव के प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से, फिर गिरगांव चौपाटी को 1 किलोमीटर ट्विन टनल के थ्रू क्रॉस करेगा, जो देश की पहला अंडर सी रोड टनल होने वाला है। फिर मालावर हिल्स के नीचे से करीब 1.07 किलोमीटर ट्विन टनल के थ्रू गुजरते हुए प्रियदर्शनी पार्क के पास ओपन होगा, और ये वाला हिस्सा पूरा ही रिक्लेम लैंड के ऊपर बन रहा है। आगे भोलाभाई देसाई मार्ग, हाजी अली दरगाह और वोर्ली सी फेस में 3 इंटरचेंजेस के थ्रू ये कनेक्ट होगा बैंड्रा वोर्ली सेलिंग के वोर्ली साइड पे, और यहाँ पे लगभग 650 मीटर का एक ब्रिज भी बनने वाला है। फिर फेज टू में बैंड्रा साइड पे वापस एक सी ब्रिज का निर्माण होगा वर्सोबा तक, और वहां से कनेक्ट होने वाला है कांदिवली में, और अभी बस फेज वन का ही काम चालू है। तो चलिए देखते हैं कितना काम हुआ है इस कोस्टल रोड प्रोजेक्ट पे। एक्चुअली काफी सारे एक्टिविटीज का काम एक साथ अभी चल रहा है, और कुछ कंप्लीट भी हो चुका है। जैसे ट्विन टनल की बात करें तो वो दोनों एंड से अभी थ्रू हो चुका है। आप देख रहे हैं प्रियदर्शनी पार्क साइड, जहाँ पे ये टनल ओपन होता है। ये ट्विन टनल लगभग 2 किलोमीटर लंबी है। इस टनल का बोरिंग किया गया था एक सिंगल सील्ड अर्थ प्रेशर बैलेंस टनल बोरिंग मशीन के जरिए, इसका नाम है मावला। इस टीबीएम मशीन को बनाया है चाइना रेलवे कंस्ट्रक्शन हेवी इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड यानी CRCHIL ने, जिसका डायमीटर है लगभग 12.19 मीटर और लंबाई है करीब 82 मीटर, और ये इंडिया में यूज करे जाने वाली सबसे बड़ी टनल बोरिंग मशीन भी है। इस ट्विन टनल के फर्स्ट टनल का बोरिंग शुरू हुआ था प्रियदर्शनी पार्क साइड से जनवरी 2021 में,
और सिर्फ एक साल के अंदर ही मतलब 10 जनवरी 2022 में ये गिरगांव चौपाटी तक बोरिंग कंप्लीट कर चुका था। अप्रैल 2022 में दूसरी टनल बोरिंग शुरू हुआ गिरगांव चौपाटी साइड से और अगस्त 2023 में ये वापस प्रियदर्शनी पार्क तक बोरिंग कंप्लीट कर चुका था। इसी दौर पे एलएनटी कंस्ट्रक्शन ने ये अनाउंस किया कि सिंगल सील्ड एपीबी टीबीएम द्वारा की गई ये डिगिंग एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जहां एक महीने में 456.72 मीटर की स्ट्रेच कंप्लीट किया गया था, जो पहले था सिर्फ 455.4 मीटर। इसीलिए जैसा कि पहले ही हमने बताया कि ये प्रोजेक्ट एक इंजीनियरिंग मार्वल की मिसाल है और इसे एलएनटी कंस्ट्रक्शन जैसी कंपनीज ही बना सकती है। और प्रोग्रेस की बात करें तो टनल के अंदर अभी बस फिनिशिंग एक्टिविटीज का ही काम चालू है। प्रियदर्शनी पार्क से आगे ये पूरा हिस्सा रिक्लेम लैंड के ऊपर बनाया गया है और टोटल रिक्लेम लैंड है करीब 111 हेक्टेयर, जिसका लगभग 26.5 हेक्टेयर लैंड यूज हो रहा है रोड्स और इंटरचेंजेस के लिए और 14.5 हेक्टेयर सी वॉल बनाने के लिए और लगभग 70 हेक्टेयर यूज किया जाएगा ग्रीन स्पेसेस और रिक्रिएशनल एमिनिटीज बनाने के लिए। रिक्रिएशनल एमिनिटीज की बात करें तो प्रियदर्शनी पार्क से वोडली तक लगभग 7.47 किलोमीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी एक प्रोमिनाड का निर्माण किया जाएगा, जो कोस्टल रोड के बिल्कुल पैरेलल चलेगा, जिसमें टोटल 16 पब्लिक अंडरपासेस रहेगा, मतलब हर 500 मीटर में एक। साथ में यहाँ पे गार्डन्स, पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक्स, पब्लिक टॉयलेट्स, ओपन ऑडिटोरियम और कई सारे रिक्रिएशनल एमिनिटीज रहने वाला है। यह है एमरसॉन्स इंटरचेंज, जहाँ एलिवेटेड रोटरी का निर्माण हो चुका है और फिलहाल ब्रिज के ऊपर रोड लेइंग चालू है। यहाँ पे ट्रैफिक रूट को समझे तो मेन दोनों रोड एज इट इज सीलिंग की तरफ और मरीन ड्राइव की तरफ जाएगी, फिर ये रोड कोस्टल रोड से एग्जिट होकर जाएगी भोलाभाई देसाई मार्ग में। इस रोड से आप कोस्टल रोड में एंटर करते हुए जाएंगे मरीन ड्राइव की तरफ। अगर आप मरीन ड्राइव से आ रहे हैं और आपको भोलाभाई देसाई मार्ग पे निकलना है तो इस रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप भोलाभाई देसाई मार्ग से आ रहे हैं और आपको सीलिंग की तरफ जानी है तो इस रोड का इस्तेमाल करना है। सो ओवरऑल ट्रैफिक मूवमेंट की डायरेक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। इस प्रोजेक्ट पे थ्रू आउट कोस्टल रोड एक 8.5 मीटर ऊंची सी वॉल का निर्माण किया गया है हाई टाइड के टाइम फ्लड से कोस्टल रोड को बचाने के लिए, और हाई वेलोसिटी वेव से बचाने के लिए यूज किया गया है इन बड़े बड़े बोल्डर्स को, जो वजन में लगभग 2-8 टन का है। और इन बोल्डर्स को लाया गया है अंडर कंस्ट्रक्शन नवी मुंबई एयरपोर्ट से, क्योंकि नवी मुंबई एयरपोर्ट के उल्वे हिल ज्यादातर बेसल्ट है एंड बेसल्ट इज अ गुड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। और क्या आपको पता है, इस उल्वे हिल की तरह और भी कई सारे प्रॉब्लम्स था जिसे साल दर साल ओवरकम करके ही आज हम इस एयरपोर्ट के निर्माण होते हुए देख रहे हैं, और इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप ये वाला वीडियो जरूर देख सकते हैं। खैर वापस आते हैं आज के वीडियो में। फिर सीवॉल के नीचे आपको ऐसे छोटे छोटे ओपनिंग्स देखने को मिलेगा जो एक्चुअली फ्लड गेट्स है। जी हाँ, बीएमसी स्टॉर्म वाटर ड्रेन डिपार्टमेंट ने ऐसे 16 फ्लड गेट्स बनाए हैं रेन वाटर्स को प्रॉपर तरीके से ड्रेन करने के लिए, और आपको ऐसे पब्लिक अंडरपासेस दिखेगा जिसके चलते आप सी साइड पे आ पाएंगे। साथ ही साथ इट्स विजिबल कि काफी तेजी से मेन रोड का भी काम कंटिन्यूअस चल रहा है हर जगह पर। फिर हाजी अली दरगाह के पास और एक कॉम्प्लेक्स इंटरचेंज के निर्माण हो रही है। यहाँ पे आपको मल्टीपल एलिवेटेड रोड्स देखने को मिलेगा जो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। इस इंटरचेंज की ट्रैफिक डायरेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। मेन दोनों रोड एज इट इज सीलिंग और मरीन ड्राइव की तरफ जा रही है, और ये रोड से आप जा सकते हैं मरीन ड्राइव की तरफ। ये रोड आपको लेकर जाएगी सीलिंग की तरफ। इस रोड से आप वोडली से जा पाएंगे मरीन ड्राइव की तरफ। ये रोड जाएगी वोडली से सीलिंग की तरफ। इस रोड के थ्रू आप कोस्टल रोड से निकल के जा पाएंगे तारदेव की तरफ, और इस रोड से आप मरीन ड्राइव से आ रहे हैं तो कोस्टल रोड से निकल के जा पाएंगे वोरली की तरफ। सेम ये रोड से अगर आप सीलिंग से आ रहे हैं तो कोस्टल रोड से निकल के जा पाएंगे वोरली की तरफ। और ओवरऑल फ्यूचर में ट्रैफिक मूवमेंट कुछ ऐसा दिखने वाला है। और यहाँ पे आपको और एक पब्लिक अंडरपासेस भी दिखेगा जिसके थ्रू आप जा पाएंगे हाजी अली दरगाह में। आगे बढ़ने पे आपको और एक एलिवेटेड ब्रिज का निर्माण होते हुए दिखेगा। अगर गौर करें तो आपको हर एक पिलर्स के बीच में काफी बड़े बड़े गैप्स देखने को मिलेगा ताकि फिशिंग बोट्स को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। फिर आगे आपको और एक ब्रिज का भी निर्माण होते हुए दिखेगा।
आज की तारीख पे ये हम सभी जानते हैं कि मुंबई में सब मिल सकता है, लेकिन अच्छी पार्किंग मिलना काफी मुश्किल होता है। तो इसीलिए इस कोस्टल रोड प्रोजेक्ट में टोटल 4 अंडरग्राउंड पार्किंग फैसिलिटीज भी रहेगा, जो एमर्सन गार्डन, वोरली और हाजी अली के पास प्रोपोज किया गया है, जिसका कैपेसिटी होगा लगभग 2000 गाड़ियों की, और वोरली साइड पे आपको उसका निर्माण होते हुए भी दिख जाएगा। फिर वोरली साइड पे बन रहा है इस फेज वन का तीसरा और आखिरी इंटरचेंज, जहां ये प्रोजेक्ट कनेक्ट हो रहा है बांद्रा वोरली सी लिंक के वोरली साइड पे। और इस इंटरचेंज की ट्रैफिक मूवमेंट को समझे तो एज इट इज मेन दोनों रोड सी लिंक और मरीन ड्राइव की तरफ जाएंगे, फिर ये रोड आपको लेकर जाएगी वोरली की तरफ और ये रोड जाएगी प्रभा देवी की तरफ। इस रोड के थ्रू आप वोरली से सी लिंक पे जा पाएंगे और इस रोड के थ्रू मरीन ड्राइव की तरफ। फिर यहां से एक रोड कनेक्ट होगा जो प्रभा देवी से मरीन ड्राइव की तरफ जाएगी, और ये जो पिलर्स देख रहे हैं ये प्रभा देवी से सी लिंक की तरफ जाएगी। सी लिंक का जो एग्जिस्टिंग रोड है वो एज इट इज प्रभा देवी और वोरली की तरफ जाने वाली है। तो करंट सिचुएशन के हिसाब से ट्रैफिक मूवमेंट को समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा इट विल बी मोर विजिबल। बाकी फ्यूचर ट्रैफिक मूवमेंट्स कुछ ऐसा होने वाला है। तो फाइनली सीलिंग पे कनेक्ट होता है ये प्रोजेक्ट और यहीं पे एंड होता है फेज वन का। तो ओवरऑल प्रोजेक्ट की बात करें तो देयर इज नो डाउट कि ये प्रोजेक्ट एक इंजीनियरिंग मार्वल है, एंड लाइक बांद्रा वोरली सी लिंक ये प्रोजेक्ट भी फ्यूचर में मुंबई की एक आइकॉनिक रोड के हिसाब से जानी जाएंगे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में हाईवेज के अलावा बाकी चीज़ें लाइक प्रोमिनाड, रैपिड बस ट्रांजिट, ग्रीन स्पेसेस, साइकिल ट्रैक्स, पार्किंग्स, इन सभी रिक्रिएशनल एमिनिटीज़ के ऊपर भी काफ़ी ध्यान दे के बनाया गया है। और इस प्रोजेक्ट को ऐसे डिजाइन किया गया है जिसके चलते साउथ मुंबई के ट्रैफिक प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। बाकी आपके क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।